सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त जफर इकबाल और स्वागत है आपका हमारे चैनल जफर स्टूडियो में, जहां पर कॉन्सेप्ट्स और डिमांड आपकी होती है और फोटो एडिटिंग मेरी। दोस्तों, फाइनली 2021 आने वाला है और 2020 ये जो मनहूस ईयर है ये ख़त्म हुआ। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो इस लॉकडाउन में भी आप लोगों ने हमारे वीडियो को इतना ज़्यादा पसंद किया और हमारे सब्सक्राइबर को ऊपर लेकर गए। तो मैं आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ और नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ आप सभी को। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको मून वाली एडिटिंग बताने वाला हूँ। तो जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये साल की आखिरी वीडियो है, साथ ही साथ मैं आपको अपने नए चैनल जफर ग्राफिक्स के ऊपर भी एक वीडियो दे रहा हूँ। तो जिन लोगों ने उस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जाओ वहाँ पर भी उसे सब्सक्राइब कर लो। आज सुबह 10 बजे मैंने एक वीडियो अपलोड की है, आप लोग उसे देखो और आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा वो वाली वीडियो। तो उस वीडियो को जाकर देख लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। सो गाइज, आपको सबसे पहले पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बैकग्राउंड बनाना सिखाऊंगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल सा डॉक्यूमेंट ले लिया है, ये इंस्टाग्राम का 4:5 का रेशियो का एक बैकग्राउंड है। यहाँ पर आपको जाना है ऐड फोटो में और यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्टेरी स्काई का फोटो ले रहा हूँ। यहाँ पर बहुत सारे स्काई, मतलब स्काई में बहुत सारे तारे हैं, यानी स्टार्स, इतनी पूरी गैलेक्सी नज़र आ रही है, इस तरह का एक बैकग्राउंड है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि मैं इसको अच्छे से सेट कर लेता हूँ। बस इसको 1/3 के हिसाब में सेट कीजिए, यानी नीचे का जो थर्ड पोर्शन है वो छोड़ देंगे हम लोग। इसके बाद फिर से ऐड फोटो में जाइए और यहाँ पर मैं ग्रास ऐड करूँगा। तो देखिए, ये रहा हमारा ग्रास, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पर। और इसे क्या करना है कि लेयर पे क्लिक करके मूव डाउन कर देना है, यानी कि ये जो मेन बैकग्राउंड है इसके ठीक पीछे करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जो ऊपर वाला मेन बैकग्राउंड है यानी स्टार वाला, आपको इरेजर में जाना है। उसे सेलेक्ट करने के बाद इरेजर में जाना है, हार्डनेस कम, साइज़ को थोड़ा सा बड़ा रखेंगे और यहाँ से आपको इरेज कर लेना है ताकि ये आपस में मैनिपुलेट हो जाए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये दो अलग इमेजेस है, ऐसा लगना चाहिए ये दोनों एक ही इमेज है, ओके। तो देखिए, ये अच्छे से सेट हो गया, लेकिन कलर का कुछ चेंजेस है, राइट। तो हम लोग कलर करेक्शन करते हैं, इसे सेलेक्ट कीजिए, एडजस्टमेंट में जाइए। इसके बाद आपको ह्यू मिलेगा, अब ह्यू को नीचे की तरफ ले आइए, आई थिंक नहीं, ऊपर की तरफ ले जाना ठीक होगा। आप इसे ब्लू कलर के पास पास में ले जाइए ताकि स्काई से थोड़ा मैच हो पाए, राइट। अब इसके बाद इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस को कम कर देते हैं क्योंकि रात का मौसम है, राइट, मौसम बोल रहा हूँ, रात का टाइम है। इसके बाद आपको नीचे का एक और पोर्शन है, यहाँ पे हमें क्लैरिटी वाली घास चाहिए। तो ऐड फोटो में जाते हैं, यहाँ से हमें ये रहा, तो ये देखिए, ये इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी है, मतलब ये थोड़ा सा करीबी में है, राइट। अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इरेजर में जाना है सिलेक्ट करने के बाद, और इसके बाद यहाँ पर मैं इसको इन्वर्ट कर देता हूँ, इन्वर्ट से ये गायब हो जाएगा। इसके बाद रिस्टोर ब्रश ले लेंगे, ब्रश से यहाँ पर सिंपली इसको पेंट कर देना। देखिए, मैं यहाँ पर इसे अच्छे से पेंट कर लेता हूँ, तो ये काफ़ी अच्छे से यहाँ पर पेंट कर लेता हूँ, देखिए ये हो गया। अब आपको क्या करना है, इसका भी कलर चेंज कर लेते हैं ताकि ये बैकग्राउंड से मैच हो जाए। तो आपको जाना है एडजस्टमेंट में, यहाँ पर ह्यू लेंगे, ब्लू कलर के पास में लेकर आएंगे, ओके। ब्लू और स्काई से थोड़ा सा मैच करने की कोशिश करेंगे, सैचुरेशन को थोड़ा सा डाउन करते हैं एंड आई थिंक इतना ठीक है। इसके बाद इसकी ब्राइटनेस को भी डाउन करते हैं थोड़ा सा और, ओके, परफेक्ट। ये काफ़ी अच्छे सा इसमें लुक आ चुका है। इसके बाद थोड़ा सा इसका कॉन्ट्रास्ट जो है इसको थोड़ा सा कम करते हैं, बिल्कुल ज़रा सा, ठीक है, -3 के पास में रखा है। तो ये देखिए, ये बैकग्राउंड के साथ पूरी तरह से मैच हो गया और ये अब एक पूरा कंप्लीट बैकग्राउंड बन गया। अब एडिटिंग स्टार्ट करते हैं, ओके। इसके बाद आपको जाना है ऐड फोटो में, ऐड फोटो में जाने के बाद यहाँ से आपको एक मून ले लेना है, मून की एक PNG मिल जाएगी, फ्लिप एंड रोटेशन में जाएंगे, इसको फ्लिप कर देंगे इस तरह से, ये किस तरफ हो गया ये, ठीक है। अब इसको मैं नीचे ले आऊँगा और यहाँ पर हमें क्या करना है कि इसको इरेज करना है। तो इरेजर में जाएंगे, नीचे का जो हिस्सा है उसको इरेज करेंगे, ऐसा लगना चाहिए मून जो है वो ज़मीन के ऊपर है, राइट। तो यहाँ से मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, तो ये नीचे का पोर्शन इरेज हो चुका है, फाइन। थोड़ा सा जूम करके इरेज करते हैं, काफ़ी अच्छे से क्लैरिटी, एकदम एक एक बारीकी वाला काम करेंगे हम लोग, ओके। अब यहाँ पर इसे डन करता हूँ। अब आपको क्या करना है, इसे डुप्लीकेट कर लेना है लेयर में जाके, ये हो गया डुप्लीकेट। अब इसमें थोड़ा सा इफेक्ट डालने के लिए हमें क्या करना है, इसका जो ब्लेंड मोड है इसको कर देंगे स्क्रीन पे, जिससे इसमें थोड़ा सा ब्राइटनेस आ जाएगा और थोड़ा सा चमकदार हो जाएगा मून।
अब आपको ऐड फोटो में जाना है और यहाँ से मैंने उसी मून के फोटो को क्या किया है, इसको ब्लर करके रखा है। अब इसको फ्लिप एंड रोटेशन में जाकर उसी साइज में ले आएंगे और इसका जो ब्लेंड मोड है इसको हमें क्या करना है, चेंज करना है। तो ब्लेंड मोड चेंज करके स्क्रीन पे कर देंगे और यहाँ पर इसको सेट कर लेंगे कुछ इस तरह से। तो देखिए ये हमारा जो मून है पहले ग्लोइंग नहीं था, चमक नहीं रहा था और अब ये काफ़ी ज़्यादा चमकदार हो गया है, राइट। तो इसकी जो चमक है आपको पता चल गई होगी किस तरह से आई है, लेकिन नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा चमकी रहा है जहाँ पर हमने इरेज किया था। तो इस हिस्से को फिर से इरेज करना होगा हमें जहाँ पर मून लास्ट एंड हुआ है, मतलब रखा हुआ है ज़मीन के ऊपर। तो इस हिस्से को हम लोग इरेज कर लेते हैं, तो मैं इरेज कर लेता हूँ, फाइन। अब ये काफ़ी अच्छा सा लुक आ चुका है यहाँ पर, राइट। अब इसमें थोड़ा सा मून का टेक्सचर हमें ऐड करना है। तो मून का टेक्सचर ऐड करने के लिए क्या करेंगे, ऐड फोटो में जाएंगे, यहाँ से मून का एक फ़ोटो लेंगे, ये रहा, मैंने बहुत पहले इस फोटो को यूज़ किया हुआ है। तो देखिए जहाँ पर टेक्सचर है उस साइड पे थोड़ा सा रोटेट कर लेंगे, थोड़ा बड़ा कर लेंगे। इसके बाद आपको इरेजर में जाना है, इन्वर्ट करेंगे तो गायब हो जाएगा। इसके बाद आपको रिस्टोर ब्रश से इसको अच्छे से पेंट कर लेना है मून के ऊपर। तो देखिए मैंने यहाँ पर पेंट कर लिया, बहुत अच्छा सा लुक आ चुका है यहाँ पर, ये टेक्सचर आ गया। अब इसकी जो ओपेसिटी है इसे डाउन करके हमें कर देना है 80% पे, फाइन। अब देखिए इसमें एकदम रियलिस्टिक वाला फीलिंग आ चुका है, राइट। अब हमें यहाँ पर ऐड करना है अपना मॉडल। तो ऐड फोटो में जाएंगे, यहाँ से हम अपना मॉडल चूज़ करेंगे। अगर आप लोगों को बैकग्राउंड इरेज करना आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप देख के उसे सीख सकते हैं कि बैकग्राउंड किस तरह से इरेज करते हैं, फाइन। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो मॉडल है यहाँ पर हमने यूज़ कर लिया। आप लड़का लड़की किसी के भी फोटो पर एडिट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ओके। अब आपको इरेजर में जाना है, इरेजर में जाने के बाद नीचे के पोर्शन को हमें इरेज कर देना है, जैसे कि हमारा पैर घास के अंदर ऐड है, यानी मैं घास के अंदर गया हूँ, मतलब पैर से थोड़ा सा ऊपर है हमारा घास, तो इससे पता चल गया। अब आपको क्या करना है, अब मॉडल को हमें एक बार कॉपी कर लेना है। तो ये रहा हमारा कॉपी, अब आपको क्या करना है उसी मॉडल पर सेट करना है। इसके बाद आपको जाना है एडजस्टमेंट में, इसकी ब्राइटनेस को हमें कर देना है कम। कितना कम करेंगे, -70%। सैचुरेशन के लेवल को थोड़ा सा कम कर देंगे, करीब -20%, 23, इट्स ओके, चलेगा। इसके बाद इसका जो शैडो है शैडो को भी थोड़ा सा कम करेंगे, करीब -18। तो ये थोड़ा डार्क आ गया। अब आपको इरेजर में जाना है, इरेजर में जाने के बाद आपको साइड साइड के हिस्से को इरेज कर लेना है, जिससे क्या होगा कि हमारा मून का जो इफेक्ट है बॉडी के ऊपर पड़ेगा। तो देखिए मैं किस तरह से इरेज कर रहा हूँ, आप बिल्कुल वैसे ही इरेज कीजिए। आई होप मैंने पुरानी वीडियो में आपको ये तरीका बताया होगा, आप लोगों को पता होगा ये, जिन लोगों को नहीं पता है मैंने आपको फिर से बता दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इसको मूव डाउन कर देंगे, ओके। मूव डाउन करने से क्या होगा कि ये जो फोटो ये पीछे चला जाएगा और ये वाले फोटो को हमें डुप्लीकेट कर लेना है जो ऊपर में है। तो मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, इसको साइड कर लेता हूँ, अब जो पहले पहले जैसा था वैसे ही कर देते हैं, मूव डाउन कर देंगे, हो गया। अब ये वाला जो पोर्शन है ये जो एक्स्ट्रा हम लोगों ने लिया है, अब इसको एडजस्टमेंट में जाएंगे और इसकी ब्राइटनेस डाउन कर देंगे, हमें इसको ब्लैक करना है पूरी तरह से। तो ये रहा, शैडो भी डाउन कर दिया, पूरा ब्लैक हो गया। अब इफेक्ट में जाएंगे हम लोग, इफेक्ट में जाने के बाद आपको करना ये है कि यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा कलर का और यहाँ से नेगेटिव का ऑप्शन आएगा, इसे करके मर्ज करके डन कर देंगे। तो ये देखिए पूरा वाइट हो गया, अब यहाँ से हम लोग रिम लाइट बना सकते हैं। ये थोड़ा नया तरीका था मेरा करने का। अब इसके बाद आपको यहाँ पर जाना है इरेजर में, इन्वर्ट करेंगे और रिम लाइट बनाना स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोगों को रिम लाइट बनाना आता है, अगर नहीं आता है तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है कि रिम लाइट को कैसे बनाते हैं अच्छे तरीके से, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आई बटन में दे दूंगा और एंड स्क्रीन में भी दे दूंगा, जिससे आप देखकर सीख सकते हैं कि किस तरह से हम लोग रिम लाइट को बना सकते हैं अच्छे प्रॉपर तरीके से। यहाँ पर भी मैं आपको बता ही रहा हूँ, बट यहाँ पर मैं थोड़ा सा फास्ट काम कर रहा हूँ, क्योंकि हर वीडियो में एक ही चीज़ बताऊंगा तो आप लोग भी इंटरेस्टेड नहीं होंगे, राइट। तो देखिए यहाँ पर मैंने रिम लाइट ऐड कर दिया, फाइनली ये हमारा एडिटिंग कंप्लीट हुआ। अब इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो हैं हमें ऐड करनी है, जैसे कि क्या ऐड करना है, ऐड फोटो में जाएंगे, यहाँ शेडो का एक फ़ोटो ले लेंगे ब्लैक कलर का। आप इसको क्या करना है, इसको बड़ा कर लेना है, इरेजर में जाना है, इन्वर्ट करना है और यहाँ से रिस्टोर ब्रश को ले लेना है, नीचे की तरफ पेंट करना है, जिससे क्या होगा नीचे का जो एरिया वो ब्लैक हो जाएगा, फाइन। तो जिसे ये थोड़ा सा और अट्रैक्टिव दिखेगा। तो देखिए ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैं इसको डन कर लेता हूँ। अब इसके बाद और एक चीज़ ऐड करते हैं, तो ऐड फोटो में जाएंगे, इसके बाद यहाँ से आपको बटरफ्लाई मिल जाएगा। बटरफ्लाई की मैंने एक PNG बना रखी है, आप इसे ले लीजिए, इसको पूरे फोटो पे अच्छे से सेट कर लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, ब्लेंड में जाना है, स्क्रीन करेंगे। तो देखिए कुछ हिस्सा जो है हमारा मून के पास भी आया है, तो इरेजर में जाएंगे और ये जो मून के पास में आया है बटरफ्लाई उसे हम इरेज कर देंगे। तो देखिए मैंने इरेज कर दिया, बाकी जो पोर्शन है वो सही से बैठा हुआ है, राइट।
अब मैं इसको डुप्लीकेट कर दूंगा जिससे इसका जो स्ट्रेंथ है मतलब ग्लो क्वालिटी बढ़ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर ग्लो क्वालिटी बढ़ चुकी है। इसके बाद फिर से ऐड फोटो में जाएंगे और यहाँ से नीचे जो है फायरफ्लाई जिसे जुगनू कहते हैं, मैं इसका एक पीएनजी ले लेता हूँ और इसका जो ब्लेंड मोड है इसको कर देंगे स्क्रीन। देखिए ये बहुत ही अमेजिंग ये एडिटिंग लग रही है, काफ़ी मस्त सा लुक आ चुका है यहाँ पर, राइट। तो ये हमारी एडिटिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, लेकिन अभी मेन काम बाकी है कलर करेक्शन का। तो लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन कर लीजिए, जिन लोगों ने डाउनलोड नहीं किया लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से लाइटरूम डाउनलोड कर सकते हैं मेरे वेबसाइट से जाकर। फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा वैसा कुछ भी देना नहीं पड़ेगा, इवन एड्स वगैरह भी नहीं आते हैं, ओके। इसके बाद ये रहा हमारा, इसका प्रीसेट भी दे दूंगा, तो अगर आप लोग प्रीसेट यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको जाना है प्रोफाइल में, प्रोफाइल में जाइएगा तो आर्टिस्टिक नाम का एक फोल्डर मिलेगा जहाँ पर आर्टिस्टिक 04 मिलेगा, ओके। मैं इसको रखूँगा 150% के पास, यानी 150 रखूँगा इसका क्वालिटी। तो देखिए ये काफ़ी चेंजेस आ चुका है यहाँ पर, मून की ग्लो में कलर आ गया है, राइट। अब यहाँ पर आपको करना है लाइट में जाना है, लाइट में यहाँ पर मैं एक्सपोजर थोड़ा सा डाउन कर लेता हूँ पहले, इसके बाद इसका कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा डाउन करता हूँ, इसके बाद यहाँ पर हाईलाइट को टच नहीं करेंगे, शेडो को थोड़ा सा कम करेंगे और इसके बाद यहाँ पर ब्लैक्स को कम कर देंगे, राइट। अब आपको यहाँ पर कलर में जाना है, विब्रेंस यहाँ पर बढ़ा लेंगे, सैचुरेशन का लेवल जो है वो थोड़ा सा कम होगा। इसके बाद यहाँ पर टिंट यूज़ करेंगे, टिंट को -10 यानी थोड़ा ग्रीन इफेक्ट देंगे। इसके बाद आपको जाना है इफेक्ट में, टेक्सचर को टच नहीं करना है, क्लैरिटी टच करेंगे 30%, डीएस को ऐड करेंगे 19-20% के पास में रखिए, और थोड़ा सा विग्नेट को माइनस कर लेंगे यहाँ पर करीब 18-19% के पास में कर लीजिए, फाइन। इसके बाद स्प्लिट टोन में जाएंगे, स्प्लिट टोन में जाने के बाद आपको क्या करना है, हाईलाइट को टच करना है, ओके। यहाँ पर मैं हाईलाइट को लेकर आता हूँ, बिल्कुल ज़रा सा अमाउंट हमें ऐड करना है ब्लू कलर के पास, सैचुरेशन होगा 16 और हाईलाइट होगा 207, ओके। तो आप देख सकते हैं क्या इफेक्ट आ चुका है यहाँ पर, काफ़ी अमेजिंग लग रहा है, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके की एडिटिंग लग रही है। इसके बाद आपको जाना है शार्पनेस में, इसकी शार्पनेस को हम बढ़ा लेंगे 75%। इसके बाद यहाँ पर आपको ऐड करना है थोड़ा सा डिटेल 40% के पास, और नॉइस रिडक्शन होगा हमारा 20%, कलर नॉइस रिडक्शन भी होगा 20%, फाइन। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी एडिटिंग ये वाली हो चुकी है कंप्लीट। अब थोड़ा सा हमें सेलेक्टिव टूल का इस्तेमाल करना है, किस तरह से करेंगे सेलेक्टिव टूल का इस्तेमाल, तो पहले चलते हैं सेलेक्टिव टूल में, इसके बाद यहाँ प्लस के आइकॉन पर क्लिक करेंगे, यहाँ ब्रश ले लेंगे, ब्रश लेने के बाद आपको साइज़ जो है ठीक से रखना है, और यहाँ पर बस सिर्फ हमारा जो मून है उसे पेंट कर लेना है। इरेजर में जाएंगे, जो हिस्सा बाहर की तरफ ज़्यादा रह गया उसे हमें इरेज कर लेना है, तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ यहाँ से इस तरह से। तो बिल्कुल हल्के हल्के आराम से इरेज कीजिए, टाइम लेकर एडिट कीजिए, एडिटिंग में टाइम लगता है बहुत, मैं भी बहुत ज़्यादा टाइम देता हूँ एडिटिंग में, क्योंकि परफेक्ट अगर एडिटिंग चाहिए तो टाइम लगता है। इरेजर में जाइए और ये जो मॉडल के ऊपर है इसे भी इरेज कर लेते हैं, ओके। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इफेक्ट में जाएंगे, इसकी टेक्सचर को बढ़ा लेंगे, सिर्फ इसका टेक्सचर बढ़ाना है, क्लैरिटी बढ़ाना है और थोड़ा डीएस बढ़ाना है। तो अब देखिए यहाँ पर मून्स का जो क्रीसेंट और होल्स है वो काफ़ी अच्छे से नज़र आ रहा है। इसके बाद आपको एक्सपोजर इसका थोड़ा सा बढ़ा लेना है, थोड़ा सा हाईलाइट यहाँ पर हमें क्या करना है, बढ़ा लेते हैं बिल्कुल ज़रा सा, 3-4% बढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं, एंड आई थिंक ठीक है। इसके बाद मैं इसको डन कर देता हूँ। तो फाइनली ये देखिए ये एडिटिंग जो है काफ़ी अच्छी हो गई है। आई थिंक मुझे एक्सपोजर जो है नॉर्मल ही रखना चाहिए था, कम नहीं करना चाहिए था, तो मैं इसको रिस्टोर कर लिया। तो फाइन यहाँ पर ये एडिटिंग हो गई। अब नीचे का जो पोर्शन है मैं इसको थोड़ा सा ब्लैक करना चाहूँगा, तो आपको जाना है इफेक्ट में, सॉरी सेलेक्टिव में, यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ ये वाला पोर्शन, देखिए इतना। इसके बाद आपको जाना है लाइट में, लाइट में जाने के बाद इसका एक्सपोजर जो है हमें यहाँ पर डाउन कर लेना है, थोड़ा सा डाउन करेंगे कम हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे हम लोग यहाँ पे ये वाला पोर्शन, थोड़ा सा शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, ओके। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताना कि एडिटिंग आप लोगों को कैसी लगी, ओके। और यहाँ पर ये देखिए, ओके फाइनली यहाँ पर ये एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको कर लेना है फोटो एडिटिंग को सेव, और इसका प्रीसेट भी दिया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरे वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Thank you.
Thank you.